चलिए दोस्तों, टेक ट्यूटोरियल में मैं तरुण और एक नया ट्यूटोरियल लेके आ गया जो है सबसे अच्छा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसका नाम है लाइटरूम। तो लाइटरूम का आज फास्ट ओपन करके दिखाएंगे कि वो क्या है नहीं है। तो पहले ओपन करते हैं, तो लाइटरूम ओपन हो जाएगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और ये ओपन हो रहा है, तो ये ओपन होने का टाइम आपसे ये पूछेगा कि डायरेक्टरी मांगेगा, कोई भी डायरेक्टरी सेट करने के लिए बोलेगा। तो ये फास्ट यूज कर रहा हूँ, आप लोग अगर पहली बार यूज कर रहे हैं तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यू कर दिया। अगर कोई भी फोटो लाना है तो ये डायरेक्टरी बनाने के लिए बोलेगा कि मुझे एक डायरेक्टरी बनाओ उसके दो और वहाँ से हम फोटो लेंगे। तो अगर वो डायरेक्टरी आप बना देंगे तो वहाँ से आप फोटो ले सकते हो, और जो फोटो आप लाएंगे वो आपका हर बार, मतलब जितना बार आप ओपन करेंगे वो आपका डिस्प्ले में आ जाएगा। अगर वो नहीं चाहते तो आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपका जो पिक्चर है, पिक्चर के अंदर लाइट रूम का ये जो सारा सेटअप आ गया है, इसको आपको लाइट रूम बंद करने के बाद ये डिलीट करके फिर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली दोस्तों प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बार एक ही पिक्चर आता रहता है ना, तो दिक्कत रहता है कि अगर आप नहीं चाह रहे फिर भी वो पिक्चर आ रहा है। अगर आपको जो पिक्चर पहले भी आप लाए थे उसको नहीं चाहिए, तो ये सारा चीज़ आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद ही हटेगा, तो जाके आपका काम थोड़ा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा काम करने के लिए, आपको तकलीफें कम होगा। क्योंकि आपके पास अगर 5000 पिक्चर है, वो बार बार 5000 पिक्चर को खींचता रहेगा, 5000 पिक्चर। अब शादी का एडिट करते हैं तो कम से कम 200-300 तो पिक्चर होगा ही होगा। एक शादी का काम हो गया, दूसरा शादी का काम करना चाहते तो वो ही पुराना पिक्चर आएगा, उसको आप डिलीट भी कर देंगे तो भी आएगा, क्योंकि वो लिंक पकड़ के रखता है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो यही है जो मैं बताया। तो ये अभी डायरेक्टर मांग रहा है, तो मैं कोई भी एक, जैसे कि मैं डेटा में जाता हूँ जहाँ आपका पिक्चर रहता है, वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर देंगे तो वहाँ से आपका काम चल जाएगा। ये सारा है मेरा पिक्चर, जैसे कि मैं ये पिक्चर लेना चाहता हूँ तो इसको ले लिया, फिर इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्ट हो गया उसी, मतलब डायरेक्टरी में जितना है। तो ये एड्रेस लुकअप जो होता है इसको एनेबल रखेंगे तो ये और भी जल्दी खींचेगा पिक्चर आपका, डिसेबल कर देंगे तो नहीं खींचेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो पिक्चर आप खींच लिया, तो मैं एनेबल करता हूँ। एनेबल करने के बाद कोई भी पिक्चर जिस पे आपको काम करना है उस पिक्चर पे जाइए, उस पे डबल क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप डेवलपर मोड पे जाइए। एक्चुअली ये डेवलप मोड है, मैंने स्पेलिंग में थोड़ा गलती कर दिया। ये डेवलप मोड में जाइए, फिर इसके ऊपर काम कीजिए, टेम्परेचर बढ़ाइए, कमाइए। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप मतलब कहाँ से क्या हो जाएगा ना आपको। हाँ, क्या देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मुझे जो इंट्रो बताना था, एक्चुअली एक पिक्चर को लेके आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, वो मैंने बता दिया है, और आप लोग इसके थ्रू कुछ ना कुछ कर पाएंगे। एक्चुअली एडोब लाइटरूम में जो भी काम करने के लिए पहले आता है वो फोटोशॉप सीख के ही आता है। तो ये मैं अस्यूम कर सकता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा तो आप इस पे काम कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए मेरा वीडियो में इतना ही। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम जरूर सॉर्ट आउट कर दूंगा। आज के लिए बाय बाय।